जय मसीह की। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर संध्या के समय के लिए, प्रभु के महान अनुग्रह से जो हमें यह अवसर मिला है कि हम आगरा मसीह मंडली पेज के माध्यम से परमेश्वर की उपस्थिति में आए और हम मिल के, आप और हम मिल के एक मन हो के परमेश्वर की महिमा करें। इसलिए हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और मैं धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उनके महान अनुग्रह के लिए जो उन्होंने हमें जीवितों के मध्य रख छोड़ा। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आगरा मसीह मंडली के लिए। साथ में मैं धन्यवाद देती हूँ अनुपम सर और सबनम मैडम के लिए। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ते हैं और अक्सर हम नगेश बिलकर भाई को देख सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे भाई नगेश। आरती सिस्टर, झुमा और बहुत लोग हैं जो कंटिन्यूसली हमारे इस ऑनलाइन में आते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर इस सभा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे जीवित करुणामय प्रेमी पिता परमेश्वर, आप जो स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान प्रभु, स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके चरणों की चौकी, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं ये संध्या के समय, ये स्पेच के माध्यम से आपने जो आशीषें दी प्रभु कि हम आपके चरणों में आए। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हुए विनती प्रार्थना करते हैं हमारे बीच में सदैव आपकी उपस्थिति बनी रहे, आपका अनुग्रह बना रहे। वचन के द्वारा से, गाने के द्वारा से, प्रार्थना के द्वारा से, हम सारे बातों के द्वारा से आपकी महिमा करें। धन्यवाद प्रभु इस पेज के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके दास दासी के लिए धन्यवाद देते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं बहुत आप सारे भाई बहन, उन सब के लिए भी आपको धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच। आइए हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए ये गाना गाएंगे और उसके बाद हम लोग देश के लिए प्रार्थना करके हम लोग वचन की तरफ देखेंगे। ओ कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल हो धन्यवाद। ओ कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल हो धन्यवाद। क्या तुम निराश हो बोझ से दबे हो, ईशु बुलाता कलवरी से, रोगों को मिटाने शांति अपनी देने, ईशु बुलाता कलवरी से। ओ कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल हो धन्यवाद। क्या तुम अनाथ हो या मित्रहीन हो, आंसू बहाते पीड़ा सहते हो, यीशु को अपनाओ
सच्चा मित्र जानो सारी दुनिया छोड़े बहन छोड़ेगा वो कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का सागर से भी विशाल हो धन्यवाद बाल तेरे पकने साथ साथ माँ है भूल सकती वो न भूलेगा आज यीशु पासाओ प्रेम अनुपम पाओ प्यार यीशु मसीह का ही बचाएगा ओ कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का सागर से विशाल हो धन्यवाद यस हमारे यीशु मसीह का प्यार बहुत गहरा है और परमेश्वर उसीलिए उन्होंने अपने जान को भी रख नहीं छोड़ा बल्कि आपके लिए हमारे लिए दे दिया। कितना अद्भुत प्रेम, कितना अनुपम प्रेम, कितना गहरा प्रेम उन्होंने आपके लिए हमारे लिए दिखाया। आइए हम लोग अपने देश के लिए धन्यवाद देते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करें क्योंकि हमारे अब देश के लोगों को परमेश्वर के सम्मुख लाने के लिए और उनके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जहां रहते हो वहां के लिए प्रार्थना करना है और अपने देश के लिए प्रार्थना करना है ताकि हमारे देश के लोग शांति से रहें और उन्नति करें और परमेश्वर की खोज में लगें। आइए हम लोग अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित करुणामय प्रेमी पिता परमेश्वर सचमुच में आप महान परमेश्वर जीवित परमेश्वर परम पिता परमेश्वर सनातन काल से सनातन काल तक रहने वाला प्रभु धन्यवाद। आप आदि और अंत हैं, आप अल्फा और ओमेगा है, आप ही जीवन है, आप ही सब कुछ है प्रभु। हम धन्यवाद देते हुए आपके चरणों में आते हैं, विशेष करके धन्यवाद देते हैं हमारे देश के लिए जो आपने ये अवसर दिया प्रभु कि हम अपने देश के लिए हम लोग मिल करके जो हमारे साथ सुनेंगे और अभी सुन रहे हैं उन सब मिल करके और हम प्रभु सब मिलकर हम अपने देश के लिए धन्यवाद दें। धन्यवाद प्रभु हमारे देश के तमाम लोगों के लिए धन्यवाद। और हम इस वक्त विनती प्रार्थना करते हैं जितने हमारे देश को चलाते हैं, अधिपति हैं, अधिकारी हैं, प्रधानमंत्री, मंत्री, राष्ट्रपति और राज्य मंत्री, जितने भी अलग अलग क्षेत्र के हैं उन सारे मंत्रियों के लिए हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु। एक एक जन को सुबुद्धि प्रदान कीजिए, आशीष दीजिए कि हमारे देश की उन्नति के लिए, भलाई के लिए, जनता के हर एक भले कामों के लिए प्रभु अपने कामों को कर सके और आपकी महिमा हो सके। प्रभु जितने सैनिक लोग तैनात हैं प्रभु जी सीमाओं पर देश की रक्षा के लिए उनके बड़ी आशीष दीजिए, हर खतरे जोखिमों से उनकी रक्षा कीजिए। हम विनती प्रार्थना करते हैं जो अलग अलग क्षेत्र में कार्यरत हैं, जनता की भलाई के लिए काम करते हैं प्रभु उन्हें सुबुद्धि प्रदान कीजिए कि अपने कामों को सही तरीके से करें कि किसी के साथ पक्षपात ना हो, अन्याय ना हो बल्कि सही काम हो प्रभु और लोग भले चंगे रहें, लोग प्रभु अच्छे से यहाँ पर शांति के साथ रह सके और आपकी खोज कर सके, ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिए। विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जितने छोटे बाल बच्चे हैं, छोटे बाल बच्चों पर आपकी बड़ी कृपा हो प्रभु जी, जवान बच्चों पर आपकी बड़ी कृपा को बना के रखिए, गरीब दीन दुखी विधवा लाचार भाई बहनों पर आपकी आशीष बनी रहे प्रभु जी, उनका भरोसा आपके ऊपर जो है प्रभु आप उन्हें मुट्ठी खोलकर अपने उन्हें आहार से तृप्त कराने वाला परमेश्वर है।
प्रभु हम विनती प्रार्थना करते हैं, जो लोग बीमार है उन्हें चंगाई मिले प्रभु, ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिए। जो लोग प्रभु जी आपकी बाट जो रहे हैं प्रभु, उन्हें नया बल प्रदान कीजिए। हर बूढ़े माता पिता अंकल आंटी को आशीष दीजिए, जवान भाई बहनों को आशीष दीजिए, जो लोग बेरोजगार हैं और लोग रोजगार पाने के लिए अनुग्रह प्रदान कीजिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस पेज के लिए, पेज के माध्यम से होने वाले तमाम प्रचार के कामों में आपकी बड़ी आशीष हो। इस पेज के बनाने वाले अनुपम सर और सबनम डेविड जी के संग रहिए प्रभु, उनके सेवकाई में कामों में परिवार में आशीष दीजिए, आपकी महिमा हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि आपने विनती को सुना और इस सुंदर समय आपने दिया, इसलिए हम धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच जोएल जोएल बारला, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, थैंक यू। इधर लाइन गोल हो गया है और परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं, चाहे लाइन गोल हो चाहे जो भी हो, हमारा परमेश्वर हमारे संग है, क्योंकि उनका वचन कहता है कि चाहे कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, प्रभु हमारे संग है तो हमारे और क्या हो सकता है। इफ गॉड इज विथ अस देन हु कैन बी अगेंस्ट अस, चाहे कोई भी हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता करके परमेश्वर का वचन कहता है। तो आज हम बहुत शॉर्ट में परमेश्वर के वचन के बारे में देखेंगे, जो इफेक्ट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड करके मैं दी हूँ। पार्थिव एस विक्टर, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, थैंक यू वेरी मच मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस परमेश्वर के हाँ, चलो ठीक है यहाँ हाँ, कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ जुड़ने के लिए और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आप लोग जो तैयार हैं, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन के बारे में कुछ भागों को देखेंगे और मैं आज का ये जो टॉपिक लिखी हूँ वो है द इफेक्ट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और यदि हम लोग देखते हैं कि वचन के द्वारा से परमेश्वर ने सब कुछ की सृष्टि की, एकमात्र वचन से ही सब कुछ को बनाया, तो वचन जो है बहुत सामर्थी है और वचन ही देहधारी होकर इस दुनिया में आया और वचन के द्वारा से ही हम लोगों को उद्धार मिलता है, वो सच्चाई से परिपूर्ण होकर, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया करके हम लोग पढ़ते हैं। तो वचन जो है बहुत प्रभावशाली है, वचन हमारे लिए क्या करता है ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं सिर्फ 3 टॉपिक को बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगी, और वो है कि वचन प्रभावशाली, वचन के प्रभावशाली कामों को जो हमारे जीवन में होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला है वचन ग्रहण करने से क्या मिलता है, तो वचन ग्रहण करने से आप और हमें आनंद मिलता है। हम लोग पढ़ेंगे, एक मिनट, हम लोग पढ़ेंगे प्रेरित के काम 8 अध्याय उसका 8 पद और 14 पद पढ़ेंगे। मैं इसको थोड़ा सा लाइट को कहाँ रखूं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं एक्चुअली मैं अपने किचन में हूं और मेरे को कुछ जगह ही नहीं दिख रहा है, तो चलो कोई बात नहीं, मैं पकड़ के रहूं। वचन जो है प्रेरितों के काम उसका हम लोग पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय और हम लोग पढ़ेंगे 8 पद को और 14 पद को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 8 अध्याय 8 और 14 पद को पढ़ेंगे। मैं निकाल रही हूं, थोड़ा मेरे साथ धीरज से आप लोग सुनिए। इसमें 8 पद में लिखा है और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया लिखा है, लेकिन यदि हम लोग इसके ऊपर पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है कि तितर बितर हुए थे वहां के लोग और वे सुसमाचार सुनते हुए फिरे, और जब वो लोग सुसमाचार सुने, वहां पे फिलिपी और समरिया से आकर मसीह का प्रचार कर रहा था, जब वो लोग सुसमाचार सुने और उसको ग्रहण किए, सुसमाचार को, जब वचन को जब हम ग्रहण करते हैं, परमेश्वर का वचन ग्रहण करते हैं, जैसे आप बीमार हैं और आपको कोई बोल रहा है कि प्रभु आपको चंगाई दे रहे हैं, तो ये वचन को आप ग्रहण किए तो आपके जीवन में आनंद आ जाता है। कैसे आनंद आता है? क्योंकि आप चंगाई पाते हैं, आप आनंद को प्राप्त करते हैं।
तो यहाँ पर भी लोग वचन को सुन रहे थे, और जब वचन को सुने और वो लोग प्रभु को ग्रहण किए, उनके बीच में बहुत सारे बीमारी ठीक हुए, उनके बीच में से बहुत सारे दुष्टात्माओं को निकाला गया, और उस नगर में, पूरा नगर में आनंद, बड़ा आनंद छा गया करके हम लोग पढ़ते हैं। तो वचन के द्वारा से हमें आनंद प्राप्त होता है, बहुत शॉर्ट में मैं बोल रही हूँ। तो यदि वचन, यदि आप लोग ग्रहण नहीं किए हैं तो परमेश्वर का वचन ग्रहण कीजिए, क्योंकि ये आनंद को लाता है। जब आप दुख में हैं तो परमेश्वर का वचन ग्रहण कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें आनंद दूंगा। जब परेशानी में है, परमेश्वर का वचन को ग्रहण कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हे सप्ताह के और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो जब हम परेशानी में है तो हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं वचन ग्रहण करके, कि वो हमें शांति दे, हमारे बोझ को हल्का करे और हमें हमारे परेशानी को दूर करे। तो वचन को ग्रहण करने से, शॉर्ट में मैं बोल रही हूँ, आनंद मिलता है। तो वचन ग्रहण करना हमारा कर्तव्य है, हमें उसे ग्रहण करना है। और यदि कोई ग्रहण नहीं किया है तो उसे भी बताने की आवश्यकता है कि वचन ग्रहण करने के द्वारा से हम अपने जीवन में आनंद की भरपूरी को प्राप्त करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि वचन से जो लोग प्रेम करते हैं, जो लोग वचन से प्रेम करते हैं वे लोग शांति को पाते हैं। हम लोग भजन संहिता देखेंगे, भजन संहिता 100, वचन को ग्रहण करने वाले शांति को पाते हैं। 119 का 165 को हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता 119 का 165। यहाँ 165 में लिखा है कि तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वाले को बड़ी शांति मिलती है और उनको उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। देखिए, परमेश्वर का वचन को जब हम लोग उसका पालन करते हैं, परमेश्वर का प्रेम करते हैं, परमेश्वर के वचन से प्रतिदिन, परमेश्वर के वचन से प्रेम करके जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमें शांति मिलती है। परिस्थिति चाहे जैसे भी होगा, अभी देखिए परिस्थिति बालासोर का परिस्थिति, लेकिन जरूर है कि जो लोग परमेश्वर के वचन को ग्रहण किए हैं वो लोग शांति के साथ रहते होंगे। वैसे समय में भी वो लोग परमेश्वर को धन्यवाद दे सकने वाला, 55 नहीं भाई, 65, भजन संहिता 119 का 65। तो उन लोगों को शांति मिलती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जैसे संसार शांति देता है वैसे शांति मैं नहीं देता। संसार कैसे शांति देता है? क्षण भर के लिए शांति देता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कैसे शांति देते हैं? वो अनंत शांति देते हैं, वो शांति को कोई दूर नहीं कर सकता। तो वचन ग्रह का को से प्रेम करने वाले को शांति मिलती है। और तीसरा पॉइंट है जो वचन को, तीसरा पॉइंट है वचन को पालन करने वालों के लिए बड़ा प्रतिफल, बहुत बड़ा प्रतिफल प्रभु देते हैं वचन को, जो लोग पालन करते हैं वचन को, जो लोग पालन करते हैं उन लोगों को बहुत बड़ा प्रतिफल मिलता है। जो लोग पालन करना मतलब उनको ग्रहण करना और उनके अनुसार चलना। भजन संहिता 19 का हम लोग 11 को पढ़ेंगे, भजन संहिता 19 का 11 में लिखा है इन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है। और यदि हम लोग पहले पढ़ेंगे तो लिखा है कि परमेश्वर के वचन से तेरा दास चिताया जाता है। आज हम लोगों को सावधान कराता है अपने जीवन के प्रति परमेश्वर का वचन। तो यहाँ दाऊद राजा लिखते हैं कि इन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, इसको पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है, बहुत बड़ा इनाम मिलता है। वचन को जब हम पालन करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो उसको जब हम पालन करते हैं, कैसे पालन करते हैं? विश्वास करके। तो जब हम पालन करते हैं तो उसका बड़ा प्रतिफल मिलता है। क्या प्रतिफल? उद्धार मिलता है। और यदि हम लोग प्रकाशित वाक्यों को पढ़ेंगे तो वहां बहुत सारा प्रतिफल के बारे में दिया गया है कि जो लोग अंत तक धीरज रह धरेंगे उनको जीवन का मुकुट मिलेगा, उन्हें श्वेत वस्त्र मिलेगा और उन्हें स्वर्ग में जो है सिंहासन पर बैठाया जाएगा। इस तरह से बहुत बहुत प्रतिफल है। तो उसको मैं एक एक नाम लेके नहीं बोल रही हूँ, अभी मैं
बस वचन को तीन हिस्सा में बताई, वचन को जो है ग्रहण जो करते हैं वो उन्हें बड़ा आनंद होता है, वचन से जो लोग प्रीति करते हैं उन्हें बड़ी शांति मिलती है, वचन का जो पालन करते हैं उन्हें बड़ा प्रतिफल मिलता है। वचन जो है आज हमारे पास है, हम नहीं जानते कि कब वचन हमारे पास से चला जाएगा, या लेकिन दुनिया में इस तरह का परिस्थिति होने वाला है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि वचन के द्वारा से हम लोग परमेश्वर के और करीब आ सकते हैं और वो आनंद को, वो शांति को, वो प्रतिफल को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु आशीष दे और अनुग्रह करे कि हम वचन के से प्रीति रखने वाले, वचन के पालन करने वाले और वचन के मानने वाले हों, कि हम लगातार उन चीजों को प्राप्त करें जिसको परमेश्वर ने आपके लिए हमारे लिए रखा है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। मुझे विश्वास है कि आप लोग इस वचन से आशीषित हुए होंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और हो सके तो इसको शेयर कर दीजिए कि दूसरे लोग भी सुने और परमेश्वर की महिमा करें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। करुणा में प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर ये संध्या के समय के लिए। प्रभु विशेष करके आपके वचन के बारे में जो कितना इफेक्टिव, कितना प्रभावशाली है, वचन के कारण से आपने पूरी सृष्टि की है प्रभु, और वचन के कारण से प्रभु यीशु मसीह जो है देहधारी होकर आए वचन से के द्वारा से ही, और वही वचन आज आपने हमें भी दिया है प्रभु कि हम उसको पालन करें, उसको से प्रीति रखें, उसको ग्रहण करें। प्रभु अनुग्रह कीजिए कि वचन को सुन के ग्रहण करें, वचन से प्रेम करने वाले बने और वचन के को पालन करने वाले बने कि प्रतिफल को प्राप्त कर सके जिसके लिए आपने हमें जगत की उत्पत्ति से बुला लिया है और चुन लिया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस आगरा मसीह मंडली के लिए। प्रभु इसमें जितने जन जुड़ते हैं, जितने फॉलोअर हैं और जितने इसको आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं, उन सभी को बड़ी आशीष दीजिए। हमारे साथ जुड़े हैं बहुत भाई बहन, प्रभु ने आशीष दीजिए और जहां कहीं भी है प्रभु आपकी महिमा के लिए उन्हें इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद, सुंदर समय आपने दिया इसलिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच। बहुत ज्यादा गर्मी है लेकिन परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ ब्लेस्ड नाइट। बाय बाय।